हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जोयब और स्वागत करता हूं आपका एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम अनबॉक्स करेंगे एक ट्राइपॉड स्टैंड जो है डिजिटेक की तरफ से। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये है वो ट्राइपॉड जो कुछ इस तरह की पैकिंग से आज अमेजोन से डिलीवर हुआ है। चलिए इसको खोल लेते हैं। ट्राइपॉड की अगर बात करूँ तो ये डिजिटेक का ट्राइपॉड है जिसका मॉडल है DPTR890BD। बॉक्स तो इसका काफी बड़ा दिया था लेकिन अंदर से सिर्फ इतना ही निकला। तो चलिए बात करते हैं इसकी। पैकिंग काफी अच्छे से की हुई है, इसके अंदर इसके सारे एडजस्टमेंट्स बताए हुए हैं किस तरह करना है। कुछ इस तरह का है, ये मॉडल है DPTR890BD। अब अगर इसको अनबॉक्स करें तो ये इस तरह के बैग में हमें मिलता है। बॉक्स में और कुछ नहीं है, जो है ये इस तरह से बैग आया है। तो ओपन कर लेते हैं। बैग की क्वालिटी ठीक ठाक है, काफी अच्छा बैग है। अगर आपको कहीं कैरी करना है उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये इस तरह से ट्राइपॉड है और कुछ बुक्स हैं। चलिए तो हम ट्राइपॉड खोल लेते हैं। इसके अंदर तो अनरैप करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमें ट्राइपॉड मिलता है, काफी अच्छी फिनिश के साथ। ये कुछ इस तरह से हमें ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है। जो मिनिमम साइज इसकी है वो ये है। साथ ही में इसमें रोटेशनल कैमरा फिट करने के लिए, रोटेट करने के लिए आपको 360 वाला एक हैंडल दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना कैमरा फिट कर सकते हो। इसके एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो ओपन करके। और ये इसके जो लेग्स हैं उसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, जो ऐसे ओपन होकर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं इसको अगर ओपन करके दिखाऊं इसकी हाइट कितनी है, तो ये लगभग मेरी हाइट तक है। मेरी हाइट 5'11" है, तो आप देख सकते हो कि मेरी हाइट तक ही आ रहा है, ये शोल्डर तक आ रहा है मेरे। काफी अच्छी हाइट है और इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप इसको भी ऊपर तक ले जा सकते हो। तो ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से इतना जा सकता है। ये अगर देखो तो मेरी हाइट से एक लेवल ही है, समझो 6 फीट तक इसकी हाइट है। 5'11" 5'12" इसकी हाइट है, तो इतना जा सकता है। प्लस इसके अंदर टेबल टॉप व्यू है, जिसका रीजन मैंने इसे लिया है कि आप इसको निकाल कर यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। और ज्यादातर आपको जो है टेबल टॉप व्यू या कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस दिखानी हो YouTube के लिए तो उसमें ये बहुत अच्छा है। और ये 360 चारों तरफ घूमता भी है और ऐसे भी आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है जो अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह करते हैं उनके लिए। तो ओवरऑल काफी हल्का ट्राइपॉड है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको इसकी ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी अगर आपको चाहो ये। और ये कुछ कैरी करने के लिए आप इसको लटका भी सकते हो। ये इसके लॉक्स हैं। फिलहाल मैं कहूंगा मेरे लिए ये एक सूटेबल हाइट है, क्योंकि मुझे टेबल टॉप व्यू अगर चाहिए तो यहाँ तक मैं टेबल की हाइट के बाद इतना मुझे मिल जाता है जो सफिशिएंट है। और अगर मान लीजिए मुझे थोड़ी हाइट ज़्यादा चाहिए तो फिर वो इतना आ जाता है। हालांकि मैंने एक रिंग लाइट भी ऑर्डर की है, जो जब आ जाएगी तो मैं इसके ऊपर लगा कर देखूंगा और वो आपको दिखाऊंगा भी, और उसकी अनबॉक्सिंग भी हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।
तो दोस्तों ओवरऑल अगर इसकी बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छा और मजबूत ट्राईपॉड है। आपको यहाँ पर एक कुशन्ड ग्रिप मिल जाती है इसे पकड़ने के लिए, साथ ही में एक हैंडल भी है जिसको आप पकड़ के इजीली से उठा सकते हो, और 360 रोटेशनल है। सिर्फ ये मोबाइल माउंट के साथ नहीं आया, मैंने जितने भी इसके रिव्यूज पढ़े थे और जो इसके क्वेश्चंस थे उसमें मैंने पूछा भी था, उन्होंने कहा था कि इट कम्स विद मोबाइल माउंट बट इसमें वो मिसिंग है। साथ ही में इसके पास एक ये ऑप्शन है कि अगर यहाँ पर आप अपना DSLR कैमरा लगा देते हो तो आपको उसे बार बार मान लीजिए अगर निकालना है तो उसके लिए सिर्फ आप इस लॉक को साइड में करेंगे ऐसे और यहाँ से इसे उठा लेंगे, तो वो आपका कैमरा जो है आपको बिना स्क्रू ढीला करे या कुछ भी आपका ये हो जाएगा। अभी मैं इस पे मोबाइल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल माउंट करने के लिए नहीं है और इसके साथ में आया नहीं है, तो एक बार मैं परचेस कर लूँगा और उसके बाद ही जब मैं अपनी वीडियो लगाऊंगा जिसमें मैं एक रिंग लाइट इसके ऊपर लगाने वाला हूँ तब मैं आपको वो पूरी दिखाऊंगा। साथ ही में इसके साथ एक अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पर आपको एक लेवलर मिल रहा है जिसमें आप खड़े करके देख सकते हो कि आपका जो ट्राइपॉड है वो सीधा है या नहीं। अगर वो सीधा नहीं है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो या इसके जो लेग्स हैं उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। साथ में आपको एक यहाँ पे एक मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी लटका सकते हो। नॉर्मली जो मैंने देखा है यूट्यूब पे कि जब लोग कहीं लेकर जाते हैं तो ये हुक जो है इसके अंदर अपना बैग लटका देते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ शूट कर रहे हो DSLR पे और कुछ वीडियो बना रहे हो या फोटो ले रहे हो और आपके बैग पर एक बैग है तो वो डेफिनेटली अच्छा नहीं रहता और आप उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं तो आप इसको लटका के भी यूज़ कर सकते हो, बट वो तो आपकी चॉइस है। तो ओवरऑल अच्छी चीज़ है एंड आई डेफिनेटली रिकमेंडेड। बस उन्होंने मोबाइल माउंट नहीं दिया, उन्होंने मेंशन करा था उसके बाद भी, तो ये एक थोड़ी सी खराब चीज लगी। तो खैर वो अलग से अगर आपको लेना हो तो 300 350 का एटलीस्ट वो आता है अच्छी क्वालिटी का, वो भी आप ले सकते हो। इस ट्राइपॉड को लेने का मेन जो रीजन है वो है इसका टेबल टॉप व्यू जो मुझे चाहिए था ज्यादातर अपने रिव्यूज वगैरह के लिए, के अनबॉक्सिंग वीडियोज के लिए, सॉरी उसके लिए मुझे चाहिए था। लेकिन आपको अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको 700-800 में भी बहुत अच्छे जो हैं आपको ट्राईपॉड स्टैंड मिल सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे 3000 में पड़ा और जितने भी बाकी के मैंने अमेजोन पर सर्च करे थे जितने भी ट्राईपॉड स्टैंड थे वो सभी एटलीस्ट 4-4.5 हज़ार से ऊपर ही थे। तो एक ये सबसे सस्ता आप कह सकते हो कि ट्राईपॉड स्टैंड मुझे मिला है। हालांकि अगर देखा जाए थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है जैसे ये यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मार्क्स हैं जो आप देख सकते हो, तो ये ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ हुआ है या पता नहीं सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड है, बट बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्क्रैच मार्क्स हैं जैसे ये पहले यूज हो चुका। बाकी ओवरऑल अगर इसके अलावा बात करो तो काफ़ी अच्छा और स्टडी है। फिर भी मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको परचेज करना हो तो आप उस लिंक से अमेजोन से परचेज कर सकते हो, और साथ में मैं थोड़े सस्ते वाले भी डाल दूंगा जो बजट में आ जाते हैं, वो ट्राइपॉड स्टैंड के भी मैं लिंक साथ में इसमें डाल दूंगा। ये थी आज की वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।